नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलवी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, केमिस्ट्री आज से हम स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 15-15 मिनट के वीडियो बनाएं और 5 से 6 वीडियो में केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ट्रिक सहित पढ़ लें। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों को समझ में, मतलब आप लोगों को लगे कि धीमे पढ़ रहे हैं, तो GUDE 2, GUDE 1.25, GUDE 1.5 YouTube में दिया है। ठीक है, इतना तेज़ आप कर सकते हैं YouTube के किसी भी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले देखिए रसायन विज्ञान के केमिकल फार्मूला को देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जिप्सम। तो देखिए, जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक, अब यहाँ से देखिए जिप्सम को जीप धन सम कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, मैंने जीप चुराई जिन्होंने केस कर लिया, मतलब मैंने किसी की जीप चुराई जिन्होंने केस कर दिया। तो यहाँ पे जब केस लिखेंगे तो केस देखिए कैल्शियम और साथ से सल्फेट, और कैल्शियम का सूत्र Ca और सल्फेट का SO4, यानी CaSO4 × 2H2O क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब देखिए, इसको हमने गर्म कर दिया, 110 डिग्री गर्म कर दिया। किसको? जिप्सम को। तो आधा पानी उड़ गया, तो बचा कितना पानी, आधा पानी उड़ गया। ठीक, तो CaSO4 तो इसमें भी है, CaSO4 इसमें भी है, आधा पानी उड़ गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। कहने का मतलब ये है कि CaSO4 × 2H2O रहेगा तो जिप्सम, और आधा H2O हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अब देखिए, धोवन सोडा यानी धोने का सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 × 10H2O। और खाने की सोडा की बात किया जाए तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। देखिए, खाने मतलब खाई और खाई मतलब बाई, तो यहाँ बीच में बाई आ जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, यानी NaHCO3, यहाँ पे बीच में H आ जाएगा, यहाँ पे देखिए। और खाने का नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। बुझा हुआ चूना देखिए कैसे याद करेंगे, CaOH2 होता है बुझा हुआ चूने का। ठीक है, यानी इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए चूना का सूत्र जो होता है वो CaO होता है, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड। और पानी का चूना जो सूत्र होता है वो H2O होता है। अब चूना प्लस पानी बराबर बुझा हुआ चूना। जब चूने को पानी में डाला जाता है तो देखेंगे वो उबाल जलने लगता है, तो उसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो चूना मिलाइए और पानी मिलाइए, यानी CaO मिलाइए प्लस H2O मिलाइए, तो Ca अलग हो जाएगा यानी कैल्शियम अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन OH2 हो जाएगा, तो CaOH2 क्या हो जाएगा आपका, बुझे हुए चूने का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 प्लस H2O कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, हाइपो भी कहते हैं, और ऑक्सी जो भी आए ऑप्शन में उसको कर दीजिए। अब देखिए, बुझा हुआ चूना हम जानते हैं क्या होता है, CaOH2, और क्लोरीन को अगर इसी में मिला दिया जाए यानी Cl2 को, तो CaOCl2 प्लस H2O यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अब देखिए, सिंदूर की बात किया जाए तो HGS क्या होता है, HGS ये आपका क्या है, सिंदूर का। ठीक है, मेरे से लड़का पढ़ने आया GS, ठीक, मेरे से पढ़ने आया लड़का GS, मैंने कहा मुंह पर सिंदूर लगाकर आओ तब पढ़ाएंगे। तो ठीक, GS यहाँ पे जो आएगा, देखिए यहाँ पे HGS होगा, इसी से हम पकड़ लेंगे कि ये सिंदूर है। ठीक, लाफिंग गैस का देखिए N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और 2 बीच में होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए जल गैस,
जल गैस में जल कैसे लिखेंगे, H2O, यही तो होता है जल। तो जल में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा और H2O, ठीक। O से CO हो जाएगा और H2 से H2, यानी CO प्लस H2, और प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2 हो जाएगा, यानी जल गैस में H2 होगा क्योंकि जल में H2O आता है, और प्रोड्यूसर गैस में N2 होगा, CO इसमें भी होगा, CO इसमें भी होगा, ठीक। अब देखिए फिट करी K2SO4 इंटू L2 SO4 होला थ्राइस इंटू 24 H2O, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं क्योंकि पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक। और इसका सूत्र लगभग लोगों को याद रहता है। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 इंटू 2H2O होता है, और यही जो कैल्शियम सल्फेट होता है यही क्या होता है, जिप्सम होता है, ठीक। उसके बाद कापर सल्फेट देखिए क्या होता है। अब देखिए कापर का रंग जो होता है नीला नीला होता है, तो कापर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, और कापर सल्फेट ही है, ठीक। यानी CaSO4 रहेगा उसमें, तो CuSO4 इंटू 5H2O, 5 मतलब क्या होता है, विषम, विषम मतलब 5 है, ठीक। तो कापर सल्फेट यानी नीला थोथा में CuSO4 इंटू 5H2O यानी विषम वाला जो होगा नीला थोथा या कापर सल्फेट में होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या इससे पूछता है, क्या क्या आज से पहले एग्ज़ाम में पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही हुआ ही है। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबो कर किया जाता है। अब देखिए सोडियम को केरोसिन में डुबोते हैं, अगर हम बात करें फास्फोरस को तो फास्फोरस को पानी में डुबोते हैं, क्योंकि फास्फोरस जो हवा के संपर्क में आता है वो क्या होता है, जल उठता है, इसलिए ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जल जाता है, इसलिए उसको फास्फोरस को पानी में डुबोते हैं, जबकि सोडियम, सोडियम यानी Na को आप हमेशा केरोसिन में डुबोएंगे, ठीक। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो हमने बताया था CaSO4 प्लास्टर ऑफ कह रहा है तो यहाँ पे हाफ कर दीजिए, ठीक, बस। उसके बाद जिप्सम का सूत्र में यहीं पे 2 कर दीजिए, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट है कि नहीं है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट इसको भी। नीला थोथा, नीला देखिए क्या होता है, कापर और सल्फेट, या कापर साला नीला होता है, तो कापर सल्फेट हो जाएगा CuSO4 इंटू विषम वाला आएगा इसमें 5H2O, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, HGS, ठीक है, क्योंकि GS पढ़ने एक लड़का आया था तो उससे हमने क्या कहा था कि जाओ सिंदूर लगा के आओ तब पढ़ाएंगे, तो सिंदूर में GS आएगा तो HGS हो जाएगा। और लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2O। तो दोस्तों देखिए मिश्र धातु देख लेते हैं, एलॉय, पीतल का एलॉय और कांसा का एलॉय, देखिए कैसे याद करेंगे। पीतल को अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं और कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं, और CuCu दोनों में होता है, CuCu दोनों में। अब देखिए इसके अंत में S आ रहा है तो SN लिख दीजिए, और इसके अंत में ZE आ रहा है तो इसके अंत में ZN लिख दीजिए, इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्रॉस कर दीजिए ऐसे, तो ब्रॉन्ज का सूत्र A हो जाएगा और ब्रास का सूत्र A हो जाएगा, यही आपका ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में देखिए जा आ रहा है ना, जिंक हो जाएगा, और ना आ रहा है तो निकिल हो जाएगा। जिंक और निकिल आपको पता हो गया, कापर लगभग हर चीज़ में होता है, तांबा। अब देखिए गन मेटल, गन मेटल में कापर होता है 88% और टिन होता है लगभग 10% और जिंक होता है लगभग 2%, ठीक, ये आपका हो गया गन मेटल। और टांका, देखिए टांका को कैसे याद करेंगे, टांका ऐसे लिखेंगे और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शोल्डर, शोल्डर ऐसे लिखेंगे,
ठीक। अब टा से देखिए टिन हो जाएगा, और शोल्डर से देखिए क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। यानी टिन और शीशा, और शीशा को ही लेड कहते हैं। टिन और शीशा जो होगा वो आपका टांका हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है। हमने बताया था जा से जिंक होता है, ना से निकिल होता है, और कापर सब में होता है। तो तीन चीज़ देखिए होगा, जिंक है, निकिल है, कापर है, सिल्वर इसमें कहाँ से आ गया। जर्मन सिल्वर नाम है, देखिए सिल्वर में ये मत समझ लीजिएगा कि सिल्वर होता है, यही गलत है, सिल्वर नहीं होता है। फ्यूज तार किससे बनती है, तो फ्यूज तार जो होता है टिन और लेड से बनती है। किससे? टिन और लेड से। पीतल में कौन सी धातु होती है, तो पीतल अभी हमने बताया ब्रास, तो ब्रास में क्या बताया था, ऐसे क्रॉस करना था Cu+ZN, ठीक। अब देखिए कांसा में क्या होता है, तांबा व टिन। पीतल में क्या होता है, तांबा व जिंक। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, शीशा, ठीक, निकिल। देखिए जर्मन सिल्वर ए है, यहाँ से तांबा, कापर, जिंक और निकिल। और मुद्रण में, मुद्रा मतलब देखिए सिक्का जब फेंकेंगे तो टिन 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 करता है कि नहीं, इसमें टिन होगा और क्या होगा, कापर होगा, और एक चीज़ और इसमें फास्फोरस होता है, ठीक है। तो शीशा यहाँ है, टिन यहाँ है, और एंटीमनी है। तो मुद्रण में ए भी होता है भाई, एंटीमनी होनी भी याद कर लीजिए, ठीक है, जो मैं बताया हूँ मेन है वो। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलाय है, तो देखिए कापर, जिंक और निकिल का। इसको कई बार इसलिए किया गया है कि क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा है परीक्षा में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयुक्त की जाने वाली टंका में होती है, टांका जो होता है टिन और लेड होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। और नाभिक की खोज भी किसने किया है, रदरफोर्ड ने ही किया है। तो दोस्तों धन्यवाद।